हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी, क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई के जो टर्म फर्स्ट के अंदर जो आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आएगा पूरा, उसमें अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या आ रहा है। और सिलेबस चलो चैप्टर हमने पता कर लिए, लेकिन उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो आ रहे हैं और उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसमें से ही एमसीक्यूज बनेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, ये आपको नोटिफिकेशन है जो सीबीएसई बोर्ड का है, और इस नोटिफिकेशन अगर आपको ये चाहिए तो एक तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है कॉमर्स वाले गुरु जी, @कॉमर्स वाले गुरु जी बिना स्पेस के लिखेंगे तो टेलीग्राम चैनल आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो अभी बात करें अकाउंटेंसी 2021-22 के लिए क्लास 12 टर्म वाइज एग्जाम है। टर्म फर्स्ट एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आएगा, 90 मिनट का पेपर होगा, आपको टाइम मिलेगा, 40 नंबर का होगा वो पेपर, पूरे एमसीक्यूज ही आएंगे। ओके, इसके अंदर पार्ट दो के अंदर डिवाइड किया है, ये है आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है, दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को, जो टर्म फर्स्ट के अंदर आपके आएगा। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर 4 चैप्टर है टोटल, जो इसमें पार्टनरशिप जो है उसके 3 चैप्टर्स है, एक है फंडामेंटल्स, एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, और कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर आ रहा है, वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो 18 मार्क्स की आएगी और कंपनी आएगी आपकी 12 मार्क्स की, तो ये टोटल कितने हो गए 30। ओके, पार्ट बी जो है फिर वो 10 मार्क्स का है, तो 30 और 10 कितने हो गए 40। और पार्ट बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो पार्ट बी के अंदर आ रहा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और टूल्स ऑफ एनालिसिस यानी कि रेशियो एनालिसिस। ओके, अकाउंटिंग रेशियो भी आ रहा है, तो ये दो चैप्टर इसके अंदर होंगे। डिटेल में समझते हैं और क्या है ये, नीचे जो और दिख रहा है ये कंप्यूटर अकाउंटिंग है, अगर आप पार्ट बी अटेंड करते हैं तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में दो ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट एंड सेकंड ये करिए, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट अगर आपने कंप्यूटर नहीं ले रखा है तो आप फिर ये नहीं करें। आइए नीचे चलते हैं हम पार्ट ए के अंदर, और यहाँ पर हम डिटेल के अंदर समझते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक है जो आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अब यहाँ देखिए पार्टनरशिप के अंदर जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, एक सेकंड बस हो गया, पार्टनरशिप में आपके आ रहे हैं फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड। तो अब आपको इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है, पार्टनरशिप के जो भी फीचर्स है ना उसको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, उसके अंदर से एमसीक्यूज बनेंगे, पार्टनरशिप डीड के अंदर बनेंगे। ओके, इसके अंदर आ गया आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है ना, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल, वो फिर आपका प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एब्सेंस इन द पार्टनरशिप डीड जो मैंने अभी आपको बताया, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आ रहा है बेटा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ रहा है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट का डिवीजन करना पार्टनर्स के बीच में वो आ रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी आ रहा है। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एनालिसिस टेबल बना के जो हम करते थे वो भी आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट साइजिंग रेशियो जो है ये भी आ रहा है, गुडविल आ रहा है बेटा। ओके, तो गुडविल के अंदर आपका नेचर आ रहा है उसका, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये आ रहा। ओके, ठीक है, अगर यहां तक तो मैंने YouTube पे भी वीडियो डाल रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ओके, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने काफी कुछ करा रखा है। ओके, इसके अलावा एक नोट है, इसको ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज बी ट्रीटेड ए चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहा है पार्टनर्स का जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो दिया जाएगा उसको। गुडविल जो है उसको आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ गुडविल था वो आपके नहीं आ रहा, वो एक्सक्लूडेड है। हाँ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम रिकॉन्स्टिट्यूशन,
रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है और एडमिशन ऑफ पार्टनर आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आ रहा है। मतलब चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सब कुछ आ रहा है। ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इसमें भी सब आ रहा है लगभग। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट एंड लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी यहाँ पर फुल डिटेल के अंदर आ रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो यहाँ से गायब लग रही है, जैसे कि एक मुझे यहाँ नहीं दिखा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो मुझे यहाँ नहीं दिखा है टॉपिक, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंड स्किल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स, असाइनमेंट, ये वगैरह, न्यू फर्म की बैलेंस शीट आ रही है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हो सकता वो ना आए क्योंकि एमसीक्यूज में उसको पूछेंगे भी तो कैसे। ओके, फिर आता है आपका पार्ट बी, उसके अंदर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके अंदर आपका शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स, और यहाँ पर बहुत ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं क्योंकि कंपनी की थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो एमसीक्यूज जो है थ्योरी बेस्ड ज्यादा पार्ट बी के अंदर आएंगे। अब है 10 मार्क्स का ही। ओके, इसमें है जो आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे तो इशू कर ही नहीं सकते, कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर भी आ रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं आ रहा। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस पे जो हम इंटरेस्ट लगाते थे 12% और 10% उसकी इंटरेस्ट रेट थी, उसकी एंट्री भी होती थी, वो नहीं आ रहा है। ओके, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश अगर हम शेयर इशू करते हैं तो वो आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ESOP आ रहा है। उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर आ रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, उसका शेड्यूल नंबर फर्स्ट है ना, शेयर होल्डर फंड, ओके, उसके अंदर शेयर कैपिटल वो आ रहा है, उसका डिस्क्लोजर आपको आना चाहिए अच्छे से। ओके, ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट बी के अंदर, ये तो हो गया पार्ट ए, सॉरी, ठीक है, फिर आता है आपका पार्ट बी, ये 12 मार्क्स की कंपनी होगी, 18 मार्क्स की पार्टनरशिप होगी। पार्ट बी के अंदर आपका आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अच्छे से समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आ रहा है ना, पीएनएल एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बट यहां पर नोट साफ साफ लिखा हुआ है जो एक्सेप्शनल आइटम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस थे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर एक्सक्लूडेड, ये नहीं करने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थे, एक्सेप्शनल आइटम जो थे आपके, है ना, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर एक्सक्लूडेड, इनको नहीं करना है, तो ये टॉपिक डिलीट है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस के अंदर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन आ रही है, ये थ्योरी आ रही है। ओके बेटा, अकाउंटिंग रेशियो आ रहा है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन आ रहा है, लिक्विडिटी रेशियो आ रहा है बेटा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ओके, आ रहा है। सोलवेंसी रेशियो के अंदर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है। एक्टिविटी रेशियो की बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये भी आ रहा है। और यहां से वैसे भी ढेर सारे एमसीक्यूज फॉर्मूला बेस्ड बन सकते हैं। ओके, तो ये आपका, और लास्ट बचता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई रेशियो भी आ रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर पीबीआईटी लेना आपको, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स ही लेना है आपको जब ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ये था डिटेल। अब देखिए बेटा, एंड में मैंने जैसा बोला आपको, जो कुछ मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल रखे हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल के, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, अभी एंड में आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट अगर आपको डिटेल के अंदर लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए ढेर सारे, आप टेस्ट देना चाहते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, फटाफट हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
या फिर आप प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, तो वहां आपको ऐप मिल जाएगी। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है अभी, ओके। इसमें आपका टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड दोनों का सिलेबस इंक्लूडेड है, MCQs इंक्लूडेड है, नोट्स इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड क्लासेस इंक्लूड है, लाइव क्लासेस इंक्लूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस इंक्लूड है, मेरा पूरा सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ अप टू, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, तो आप जाके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, आगे आपकी इच्छा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।